बड़ी नागफणी क्षेत्र में क्षेत्रवासी पेयजल समस्या से हैं त्रस्त। पहाड़ी पर रह रहे लोगों को नहीं मिल पा रहा पेयजल, नीचे पानी भरने पर लोग करते हैं विरोध। बड़ी नागफणी गोपालकुंड के ऊपर पहाड़ी पर रह रहे परिवारों को पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पेयजल की खासी किल्लत हो रही है। जब क्षेत्र के लोग नीचे पानी भरने आते हैं तो नीचे रहने वाले लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ पानी भरने से गंदगी हो जाती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये बड़ी नागफणी हवाल महल गोपालकुंड के ऊपर है। हम ऊपर रहते पहाड़ पे, हमारे पानी नहीं आता। आप देख सकते हो हम कहाँ पे पानी के, हमारे कनेक्शन लगा हुए थे, यहाँ पे मोटर नहीं लगाने देते, न पानी ले जाने देते कि हमारे यहाँ से गंदगी हटाओ। अब बोला हम पानी पीने कहाँ जाए, पीने का पानी कहाँ से लाए। चल नहाने धोने का था, हम हैंडपंप से ले आएंगे, पर पीने का पानी कहाँ से लाए। ये कहते गंदगी हटाओ, और हमारे पास में टंकी होते हुए हम पानी के लिए तरस रहे। अभी आता है प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें पानी चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमें पानी चाहिए। हमारे पास में टंकी होते हुए हम पानी के लिए तरस रहे, और ये कहते गंदगी हटाओ यहाँ से। अब ये गंदगी है पानी, हमारे पीने का पानी नहीं, और इनको गंदगी लग रहा है। ये समस्या बनी हुई है, हमारे 2-3 साल हो गई, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पार्षद को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। अब इनको आंखों से दिखता नहीं है, पहले बताओ। नीचे रह रहे क्षेत्रवासियों की शिकायत पर आज जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने आकर एकमात्र सार्वजनिक पेयजल की पाइपलाइन को भी काट डाला, जिसे क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने मौके पर ही जलदाय कर्मचारियों का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। क्षेत्रवासी मुन्नी ने बताया कि पिछले 2 साल से पेयजल किल्लत को उठा रहे लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा। जलदाय विभाग ने आज इलाके में अवैध कनेक्शनों की दुहाई देकर कई जगह से कनेक्शन काट दिए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पानी के बिल तो जलदाय विभाग समय पर भेज देता है, लेकिन पानी नहीं आता। ऊपर बनी हुई एक टंकी भी नहीं भरी जाती जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सके। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग और जिला प्रशासन जल्द से जल्द क्षेत्र के लोगों को समय पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराए, अन्यथा वे लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। अटा पानी की कमी से है भाई, कौन सी जगह? बड़ी नागफणी हवा मेल रोड। किस तरह की समस्या आ रही है? और गोपालकुंड के पाछे है, क्या समस्या आ रही है? पानी की कमी से आ रही है माना, सबसे बड़ी बात। 3-4 साल हो गया। हाँ, और टंकी है नेड़ी है, एक महीने कौन दे रही है माना? ये टंकी का महीने माना पानी चावे बस आई काम है। एक कटोरी है, झूठ बोल के भी कट रही है, और सब आदमी कट रही है। 4 का पानी आवे, 15 का पानी नहीं आवे। कौन काट रही है? ये सब कटा रही है सब। ऊपर से पानी दे दे बस टंकी पर, और कहीं नहीं माना तो कोई दे बस, और कहीं नहीं।